भाई रुतबा फॉर्चुनर का रोड पे देखा फॉर्च्यूनर कितनी स्पेशियस है जो चाहिए ना सब मिलता है फॉर्चुनर में ज्यादा सोचना मत और भूलना मत लेनी है तो फॉर्चुनर ही लेना फॉर्चुनर 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 एक काम करता हूँ विराट को कॉल कर ही लेता हूँ अच्छा तो हो जाए आमने सामने हेलो विराट केविन कुछ अगर अच्छा है तो बताओ मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ मैंने तुम्हारे फॉर्चुनर से बेटर ऐसे भी ले लिया है क्या फॉर्चुनर से बेटर ऐसी कौन सी गाड़ी ली है ऐसे थोड़ी बताऊंगा लोकेशन का लिंक भेज रहा हूँ खुद आके देख लो और हाँ आते, आते आते अपनी फॉर्चुनर भी लेते आना देखता हूँ <laughs> काट दिया फोन विराट ये देखो मेरी न्यू टाटा सफारी वेरी गुड केविन वेरी गुड वेरी गुड केविन वेरी गुड बट ये फॉर्च्यूनर का कंपटीशन नहीं है कोई भी एसयूवी फॉर्च्यूनर का कंपटीशन नहीं है कम ऑन ब्रो वेक अप टू रियलिटी भाई रियलिटी ये है कि फॉर्च्यूनर का रोड प्रेजेंस सबसे बेस्ट है वैसे नहीं विराट तुम इसका फ्रंट ग्रिल देखो द कनेक्टेड एलईडी डीआरएल कितने मॉडर्न लगते हैं और ये एलईडीस

वेरी गुड केविन तुम्हें ज्यादा बड़े व्हील्स मिलते हैं बट टायर्स का क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ग्रिप नहीं होगा तो सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस दोनों कॉम्प्रोमाइज होगी और हर एस वी उतनी केपेबल है जितने कि उसके तो की उसके टायर्स तो ऑफ रोड ट्रैक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए भाई मैं तो चाहता हूँ कि मेरी एस सी अच्छा परफॉर्मेंस दे इसीलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ अपोलो एपटेरा एटी टू टायर जो देते हैं बढ़िया ऑन रोड एंड ऑफ रोड ट्रैक्शन इससे ऑफ रोड के टाइम पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इसका जो अग्रेसिव ट्रेड पैटर्न है ना

और ये क्या इतनी कम स्पेस यहाँ पे तो दो, दो बैठेंगे, मैकस तो मैकस। हाँ, थी पैक में क्योंकि उसकी थर्ड रो ऊपर होने के बावजूद मैं आराम से दो सूटकेस डाल सकता हूँ और अगर वो फोल्डेड हो चार पांच सूटकेस क्या उससे ज्यादा सामान डाल सकता हूँ चलो इंटीरियर दिखाओ मैं अपने आप अप देख लूंगा ये लो फॉर्चुनर की चाबी है देखो जाके क्या मिस आउट कर रहे हो ठीक है वैसे भी यहाँ पे बहुत धूप है चलो देखते हैं क्या होता है इस गाड़ी में सनरूफ, hmm, नाइस। nice. <laughs> काफी एरी फील होता है कैबिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। वाओ मेमोरी फंक्शन है और वेंटिलेटेड भी है सही है यार बट ये सीट्स ना अगर थोड़ी और एडजस्टेबल होती ना लम्बा सपोर्ट है क्या वो है हम्म, hmm, ये अच्छा है एल्यूमिनेटेड लोगो लुक सो कूल बड़ी ग्लॉसी सरफेस है ये पूरा टच पैनल भी फुल ग्लॉसी है इस पर थम प्रिंट्स के निशान बाद में स्क्रैचेज आएंगे ना केविन का दिमाग ख़राब होने वाला है बट ये एम्बियट लाइट्स ये मैं अपनी गाड़ी में बाहर से लगवा लूंगा चलो टच स्क्रीन देखें बड़ी है स्मूद है 360 डिग्री कैमरा भी आता है ना इसको 2D 3D नाइस nice. यार ये क्या क्लियर है 360 डिग्री कैमरा और क्या आता है? होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल होता है वो नाइस कस्टमाइजेबल है वाओ बढ़िया है यार क्या फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर है इस गाड़ी का सेकेंड रोड चेकआउट करता हूँ ओह, कैप्टन सीट्स ये मुझे मेरी फॉर्च्यूनर में चाहिए था वेंटिलेटेड भी है चलो देखिए स्पेस कैसी है इसमें नी रूम तो अच्छा लग रहा है हेड रूम भी अच्छा है ये पैनोरामिक यहाँ तक आता है ग्लास नाइस लॉन्ग ट्रेवल के लिए अच्छे होंगे इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी है और क्या ये यूएसबी पोर्ट्स टाइप सी नॉर्मल डैम कूल थर्ड रो में भी कुछ होगा देखता हूँ अरे सनशेड भी है यार मैं केविन को बोलूंगा नहीं बट ये बहुत बढ़िया सेकंड रो है चलो अंदर कैसे जा ये रहा लीवर इतना ही फोल्ड होता है ये लीवर से चलो ये तो बहुत छोटी जगह अंदर जाने के लिए ऐसे यार ये थर्ड रो में तो आना बहुत मुश्किल है क्या हुआ ओ यहां से बीच में से आना था क्या जाओ जाओ मुझे देखने दो गाड़ी स्पेस hmm. ठीक है नीरूस्ट पर ही कर देता हूँ एक लाइन अच्छा है पर सर टच होएगा मेरी हाइट के लिए तो लोअर कंट्रोल्स नाइस इस साइड पे यूएसबी के कंट्रोल्स हैं कप होल्डर्स दोनों साइड पे हैं नाइस स्टोरेज स्पेस स्पीकर्स हैं। Nice. दो लोगों के लिए आराम से बैठ सकते बट फॉर्च्यूनर जितनी स्पेस नहीं है बट ठीक है देखता तो केविन को मेरी गाड़ी कैसे लगी देखते हैं इसमें क्या है ओह इस तो लिटरली क्लाइम करना पड़ेगा पता नहीं विराट कैसे मैनेज कर लेता है वैसे इसकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है सब कुछ कितना अच्छे से दिख रहा है आई लाइक दिस कमांडिंग ड्राइविंग पोजिशन अच्छा है चलो देख लेते हैं अरे ये क्या है सनरूफ भी नहीं है पचास लाख की गाड़ी है क्या बोलने का चलो देखते ओह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी ओल्ड स्कूल लग रहा है बट अच्छा दिख रहा है मैच कर रहा है गाड़ी के वाइब के साथ क्या ये गाड़ी सिक्सटी फोर थाउजेंड किलोमीटर चल चुकी है ये सबसे देखा जाएगा तो इंटीरियर्स वगैरह अभी भी एकदम प्रीमियम और नए फील हो रहे हैं मानना पड़ेगा विराट ने अच्छे से मेंटेन किया है उसको बोलूँगा नहीं ये बात नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा हम्म सॉफ्ट टच पॉइंट्स भी सफारी से ज़्यादा है नाइस यार ये टच स्क्रीन थोड़ा बड़ा दे देते इसका यू भी कितना आउटडेटेड लग रहा है कितना पुराना लग रहा है ये ठीक है वेंटिलेटेड्स नाइस सीट्स का कंफर्ट अच्छा है अच्छा है सॉफ्ट सीट है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है नाइस पर इसमें मेमोरी फंक्शन नहीं है सफारी में तो मेमोरी फंक्शंस मिलते हैं मुझे ये क्या है मैनुअल हैंड ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जमाना आ गया है ये अब भी ये इधर ही अटके हैं सेकेंड रो देखता हो कैसा रहेगा चलो अरे ये क्या है इतनी महंगी गाड़ी है इसमें बेच सीट्स मिलते हैं सफारी में मुझे कैप्टन सीट्स मिलते हैं चलो अंदर बैठ के देख लेता हूँ काफी कंफर्टेबल सीट्स है स्पेस भी अच्छा है नीरूम अच्छा खासा है नाइस अच्छा nice. ये सीट्स काफी वाइड है तो तीन लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं फील तीन हेड्रेस भी मिलता है अच्छा और क्या मिलता है ओ, यहां पे है। लाइट्स भी है। ये क्या सन ब्लाइंड भी नहीं है नहीं महंगी गाड़ी है प्राइवेसी तो है ही नहीं और क्या है इधर और कुछ है नहीं लगता है। चलो थर्ड रूम में जाके देखते हैं। थर्ड so, रूम में जाने के लिए ओके okay, यहाँ पे लिवर है ओ ये तो पूरा टम्बल हो गया यार प्रति इम्प्रेसिव सफारी में ये होता तो अच्छा था चलो एनी अंदर बैठ के देखता हूँ कितना इजी हो गया अंदर बैठना नाइस यार ये एक्चुअली स्पेशियस है अगर मैं सफारी से कंपेयर करूँ तो ये ज्यादा स्पेशियस लगता है थाई सपोर्ट थोड़ा कम है बट सफारी से ज्यादा ही है E भी अच्छा खासा है हेडरूम तो बहुत ही ज्यादा है नाइस यार। सनरूफ नहीं है फिर भी कैबिन काफी फील हो रहा है थैंक्स ग्लास एरिया जो बहुत बड़ा है और और अच्छा है। हो गया फॉर्च्यूनर देख के हाँ हाँ चलो आजो. आ जाओ मेरा तो हो गया तुम बताओ तुमको कैसी लगी मेरी फीचर्स बहुत सारे हैं गाड़ी अच्छी है

वैसे विराट एक चीज तो माननी पड़ेगी हाँ। तुम्हारी गाड़ी का जो ड्राइविंग पोजीशन हाँ। है ना like ब्रो एकदम कमांडिंग है चलो स्टार्ट कर लेता हूं। चालू करके देखो भगा के देखो मजा आएगा ये इंजन इतना नॉइजी क्यों है इंजन है 500 एम टॉर्क बनाता है तुम्हारी गाड़ी से बड़ा इंजन है चलाओ मजा आएगा चलो चला के देखते हैं Oh God, ये इतना होता है ना, चलो ठीक है? है चला के देखते वैसे ब्रो इसका सस्पेंशन ठीक ठाक ही बाउंस होती है वो ये रोड पे थोड़ा बाउंस हो रही है और जब प्रॉपर खराब रस्ते आएंगे ना तब यही सस्पेंशन की वजह से तुम ऐसी ऐसी जगहों पे जा सकोगे जहां पे दूसरी गाड़ियां जा ही नहीं सकती आई गिव ब्रो लाइक परफॉर्मेंस जो है ना हाँ। like, क्या भागती है इंजन का क्या पिकअप है मजा like, आ रहा है चलाने हाँ। में यार ये बंदा इतना स्लो क्यों चला रहा है रिलैक्स करवे नो प्रॉब्लम तुम उसके पीछे जाओ और दो बार हाई बीम दो उसको हाई बीम उससे क्या होगा विराट करके तो देखो कर लेते हैं अरे ये ये कैसे हट गया वो <laughs> इससे कहते हैं रुतबा फॉर्च्यूनर का लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं रास्ता देते हैं यार ये बड़ी अच्छी चीज है चलो एक काम करो अभी तुम मेरी सफारी चलाओ फिर बताना चलो चलो देखते कितना दम है तुम्हारी गाड़ी में <laughs> हाँ चलो देखते एक मिनट ये इंजन बोर्ड आराम से और शांति से चालू हुआ स्मूथ लग रहा है इनवेस्ट लेवल्स पे काम हुआ है हाँ हाँ वो तो है बट तुम चलाओ तो सही ये स्टीयरिंग व्हील तो सफारी का भारी हुआ करता था भारी हुआ करता था अब नहीं विराट <laughs> तो तुमने कुछ करवाया मैंने कुछ नहीं करा सफारी का जो नया फेसलिफ्ट है ना इसको अब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है बहुत लाइट वर्कआउट नहीं होगा था हां बिल्कुल इजी था नॉर्मली पहले सफारी में इतना हार्ड होता था यू टर्न लेना ये तो बिल्कुल ही लाइट है और इस गियर बॉक्स क्या रिस्पोंड कर रहा है क्विक शिफ्ट सा स्पोर्ट मोड में ओवरटेक तो करके देखो नाइस लाइक दैट हम्म स्टीयरिंग रिस्पांस एंड थ्रॉटल रिस्पांस भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है ओवरटेकिंग के टाइम पे तो ये तो बहुत बढ़िया है तुम्हें मजा आ रहा है ना चलाने को मेरे को बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चला। चलाने में एंड <laughs> साथ में सस्पेंशन इज डीलिंग विद पंप्स वेरी इजीली यार पर कुछ और है इसमें हाँ है ना एक काम करो वो वाला बटन दबाओ ये नहीं 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 वो वाला okay. हाँ अब स्पीड सेट कर दो और छोड़ दो डेप्टिव क्रूज कंट्रोल है यस yes. ओ <laughs> oh, क्या क्या आता है एडास में इसको एडास में इसको ग्यारह फीचर्स मिल जाते विराट ग्यारह एडास फीचर्स केविन मानना पड़ेगा गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है कहा था ना तुमसे और दूसरी चीज अगर तुम एडवेंचरस रोड ट्रिप्स लेते हो ना मैं रेकमेंड करूंगा अपोलो एप्टेरा 82 टायर्स टायर्स विराट मुझे वो टायर्स लेने तो है बट कहाँ से लू सिंपल है मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा तुम भी चेकआउट करो व्यूअर्स भी चेकआउट कर सकते हैं और तो और ये गाड़ी का जो डिजाइन है ना नाउ इट्स ग्रोइंग ऑन मी मेरे को अच्छा लग रहा है गाड़ी फीचर पैक्ट भी है बोलना पड़ेगा गुड चॉइस थैंक्स या विराट वैसे तुम्हारी फॉर्चूनर भी जो है ना काफ़ी अलग है ब्रो लाइक इसके जो रफ एंड टफ इंटीरियर्स है गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एंड इसका रगेड लुक्स एंड इसका परफॉर्मेंस बोलने की जरूरत ही नहीं है लाइक क्या मजा आ रहा था चलाने को इसका डिजाइन भी ना काफ़ी हद तक क्लासिक है ये सालों साल चलने वाला डिजाइन है एंड बोलते हैं ना एवरग्रीन विराट विराट कहाँ जा रहे हो तुम भाई आ, मैं थोड़े दिनों के लिए तुम्हारी सफारी लेके जा रहा हूँ और गाड़ी में पेपर्स पड़े हुए हैं बाद में आके लेके जाना विराट विराट इसमें फ्यूल कौन भरेगा विराट यार चलो ये तो चला गया आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी सफारी या फॉर्च्यूनर एंड अगर आप कंफ्यूज हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आप रचित से विराट से या हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़कर अपने सारे डाउट्स क्लेरिफाई कर सकते हैं अब ये कैसे करना है चले जाइए मोट्रोकटेन car consultancy पर वहां जाके आपके फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है एंड कॉल टाइमिंग बुक करनी है इट्स दैट सिंपल एंड आप गलत गाड़ी लेने से बच जाएंगे अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब टू मोट्रोकटेन राइट अवे एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर जहां पे आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ फन कॉन्टेंट मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर ड्राइव सेफ बाय